नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल वंदनास किचन में स्वागत है। आज हम सत्तू का कचौड़ी बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम दो कटोरी सत्तू ले लिए। सत्तू छान के लिया हुआ है और इसमें हम 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 1 छोटा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच राई का तेल, 1/2 अंश नमक, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 पूरा नींबू निचोड़ देंगे और अब सारे सामग्री को हम मिला लेंगे। सभी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। हम हल्का पानी देंगे इसमें, पानी ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा ही देना है, जिससे कि ये सत्तू जो है हमारा वो बेंड होने लगे हाथ में, बस उतना ही हमको पानी देना है। क्योंकि अब हम इसे भरेंगे, इसके लिए अगर ये एकदम सूखा रहेगा तो ये झड़ जाएगा, तो हल्का गीला कर देंगे। हल्का सा पानी दे के हम गीला कर लेंगे और हमारा ये मिश्रण बन गया है। अब हम अगले प्रोसेस में चलेंगे और मैदा को लगा लेंगे। ये हम 2 कटोरी मैदा ले, हम 1 चम्मच इसमें नमक देंगे, 1 छोटा चम्मच अजवाइन क्रश करके देंगे, 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल देंगे मोइंग के लिए। तेल देने से हमारा कचौड़ी खास्ता बनेगा। और अब सारे सामग्री को इस तरह से मिला लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदा को गूंथ लेंगे। ढीला नहीं गूंथना है मैदा को, थोड़ा तरक ही रखना है। और इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मैदा को गूंथ लेंगे। हम मैदा लगा लिए हैं, मैदे का डो बना लिए हैं। अब हम छोटा छोटा लोई बनाएंगे। छोटा बड़ा आप किसी भी तरह का बना सकते हैं, पर छोटा ज़्यादा अच्छा बनता है, इसीलिए हम छोटा छोटा लोई बनाएंगे। अब हम लोई में हल्का सा मैदा लगाएंगे सूखा, और लोई को हम इस तरह से गोल शेप का बनाएंगे, कटोरी जैसा। अब हम उसमें जो हमारा भरावन का सामग्री बनाए थे सत्तू का, उसको भरेंगे। सत्तू गिल्ला इसीलिए रखते हैं कि इसमें अच्छा से ज्यादा हम भर सकें। ये सूखा रहेगा तो उतने अच्छे से हम नहीं भर सकते हैं, और गीला हल्का गीला रहने से हम भर लेंगे इसको अच्छे से दबा दबा के। और इस तरह से हम लोई के मुंह को बंद कर देंगे। बंद करके हल्के हाथों से इस तरह से हम चपटा जैसा बना लेंगे, तो हमारा कचौड़ी जैसा ये बन गया है। गैस पे तेल चढ़ा दिए हैं, रिफाइन ऑयल, और अब हम एक एक करके सारे कचौड़ी तलेंगे और धीमे आंच पे थोड़ा देर तक तलेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पीछे का साइड हो गया है गोल्डन जैसा, तो अब हम सारे कचौड़ी को पलट लेंगे। तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमारा लोई एकदम छोटा छोटा था, इसके लिए छोटा लोई का बनाते हैं जो अच्छे से कम समय में जल्दी पक जाता है। तो ये अगर हम बड़ा बड़ा बनाएंगे, लोई बड़ा रहेगा, उसमें हमारा मैदा ज़्यादा रहेगा, तो पकने में टाइम लगता है और थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है। और बच्चे हैं ना, छोटे छोटे कचौड़ी में ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसी तरह से हमारा जब दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। देखिए हमारा कचौड़ी लाल हो गया है, अब हम कचौड़ी निकाल लेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।